हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स का अक्टूबर का पार्ट सेकंड। तो इस लेक्चर में मैंने लिए हैं 50 क्वेश्चंस और इस लेक्चर में अक्टूबर मंथ हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़े से जो 10-15 क्वेश्चन और अक्टूबर मंथ के बचेंगे वो मैं आपको जब नवम्बर मंथ करवाऊँगी, नवम्बर हम करेंगे 1 से 10 नवम्बर तक, तो उसके साथ मैं आपको अक्टूबर के जो 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं उनको करवा दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर का पार्ट सेकेंड। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु विल बी कॉन्फर्ड विद द 2016 टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मोनी। 2016 का टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मोनी किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रामवंजी सुथार। रामवंजी सुथार को ये अवार्ड मिला है। रामवंजी सुथार वो हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये स्टैचू जो है ये इनॉग्रेट हुआ है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143rd बर्थ एनिवर्सरी थी। और इस स्टैचू की जो हाइट है वो है 182 मीटर्स, या फिर हम बोल सकते हैं 597 फीट। और इस स्टैचू का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला था L&T कंपनी को, लार्सन एंड टुब्रो को। उसके बाद ये जो स्टैचू है ये है कहाँ पर? ये है एक रिवर आइलैंड पर, और उस रिवर आइलैंड का नाम है साधु बेट। ये जो रिवर आइलैंड है ये बहुत पास है सरदार सरोवर डैम के। सरदार सरोवर डैम जो है ये कहाँ पर, कौन सी नदी के ऊपर है? ये है रिवर नर्मदा के ऊपर, और ये है कौन सी स्टेट में? गुजरात में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एग्री एंड फूड बिजनेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च इन विच सिटी। इंडिया का पहला एग्री एंड फूड बिजनेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सी सिटी में लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वरंगल। वरंगल जो है ये कहाँ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द 2018 राष्ट्रीय महिला किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर जो है इसमें दो और डे मनाए जाते हैं, वो कौन से हैं? एक तो है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन और एक है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो ये दोनों जो हैं ये मनाए जाते हैं 15 अक्टूबर को, और इनके साथ मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है टू मार्क द बर्थडे ऑफ APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल ऑफ फूल पत्ती हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। फूल पत्ती फेस्टिवल जो है वो कौन सी कंट्री में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नेपाल। ये मनाया जाता है नेपाल में। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, इसकी करेंसी है रुपी, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है KP ओली, और नेपाल की जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड द कटी बिहू फेस्टिवल 2018। कटी बिहू फेस्टिवल जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आसाम। ये मनाया जाता है आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर दिल्ली CM मदन लाल खुराना हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। ही ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। दिल्ली के CM रह चुके मदन लाल खुराना जो है उनका अभी भी निधन हो गया, तो वो इनमें से कौन सी स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान। ये गवर्नर रह चुके हैं राजस्थान के, और राजस्थान के अभी गवर्नर है कल्याण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनमैन ट्रांसपोर्ट ड्रोन FH-98। इनमें से कौन सी कंट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा अनमैन ट्रांसपोर्ट ड्रोन FH-98 को टेस्ट किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चाइना। FH-98 जो है इसको बोलते हैं Phihong-98। तो एग्जाम में इन दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी ऑनर्ड विद द 2018 कैनॉट प्राइज ऑफ क्लीनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी। इनमें से कौन से यूनियन मिनिस्टर को कैनॉट प्राइज ऑफ क्लीनमैन सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी दिया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है ये हमारे यूनियन मिनिस्टर है रेलवेज और कोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The first ever joint maritime exercise will be conducted between ASEAN and which country? सबसे पहली joint maritime exercise ASEAN और इनमें से कौन सी country के बीच में होगी? तो इसका answer है option number 2 China. ये ASEAN और China के बीच में होगी और ये होगी कहाँ? South China Sea में. अब ASEAN के बारे में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए. सबसे पहले तो इसका full form क्या है? Association of Southeast Asian Nations. इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में और इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रूनी और लाओस. ठीक है, इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है. तो कभी आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि इंडिया आसियान का मेंबर है या नहीं, तो नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन प्लेयर हैज़ क्लिंच्ड द 2018 वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल एट लीड्स इन यूके. कौन से इंडियन प्लेयर ने 2018 का वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल जीता है जो कि हुआ था यूके में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सौरव कोठारी. ध्यान रखना, सौरभ कोठारी जो है ये बिलियर्ड्स खेलते हैं और इन्होंने अभी जीता है वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ US प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग. इनमें से किसको US प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है क्योंकि उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ाई की है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव तस्करी. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मीनल पटेल डेविस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल पार्टनर्स फोरम. इनमें से कौन सी सिटी में 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल पार्टनर्स फोरम होगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में होगी ग्लोबल पार्टनर्स फोरम. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच US बेस्ड दलित राइटर हैज़ वॉन द 2018 शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज. इनमें से कौन से राइटर को 2018 का शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सुजाता गिडला को. इनको कौन सी बुक के लिए मिला है? तो इनकी बुक का नाम है एंट्स अमंग एलिफेंट एन अनटचेबल फैमिली एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया. तो ये आप ध्यान रखना, सुजाता गिडला, और इनको मिला है शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द 27th IAEA फ्यूजन एनर्जी कॉन्फ्रेंस हैज स्टार्टेड इन विच सिटी. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गांधीनगर. ये हुई है गांधीनगर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स. नेहरू और बोस पैरेलल लाइव्स जो बुक है इसका ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रुद्रांशु मुखर्जी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखना कि नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स जो बुक है इनके ऑथर है रुद्रांशु मुखर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट डोमेस्टिक क्रूज. इनमें से कौन सी इंडिया की पहली डोमेस्टिक क्रूज है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अंग्रीय. अंग्रीय है इंडिया की पहली डोमेस्टिक क्रूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 19th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इनमें से किसको लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड दिया गया है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फली एस नरीमन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच UN ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग द ग्रीन क्लाइमेट फंड विच हैज़ रिसेंटली अप्रूव $42 million फॉर इंडियाज कोस्टल कम्युनिटीज. तो इंडिया की कोस्टल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड को कौन सा UN ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 UNDP. UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में. अब UNHCR, WHO और UNCTAD इन तीनों के हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में. UNHCR क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. तो इन तीनों के हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड में. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम्स हैज़ वॉन द 2018 विजय हजारे ट्रॉफी. 2018 का विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुंबई. मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है और इन्होंने हराया था दिल्ली को. नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली ओपन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग ब्रिज. दुनिया का पहला सी क्रॉसिंग ब्रिज जो है वो कौन सी कंट्री ने खोला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कैमरून. कैमरून के प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पॉल बिया. कैमरून जो है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है याउंडे. ठीक है, और इसकी करेंसी है फ्रैंक.
कैमरून फ्रैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ 2018 वेटेक्स. वेटेक्स मतलब वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दुबई. दुबई में होगी ये वेटेक्स 2018. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन क्राउंड द मिस डेफ एशिया 2018. इसे किसको मिस डेफ एशिया 2018 का खिताब मिला है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, निष्ठा डोडेजा को. निष्ठा डोडेजा जो है ये हरियाणा से बिलोंग करती है और इनको मिला है मिस डेफ एशिया 2018 का अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन साइंटिस्ट विल बी ऑनर्ड विद द ICFA's फर्स्ट एवर वर्ल्ड एग्रीकल्चरल प्राइज. तो ये मिलेगा ऑप्शन नंबर 1, MS स्वामीनाथन को. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना. MS स्वामीनाथन को मिलेगा पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चरल प्राइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुजबा 3 हैज स्टार्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. ध्रुजबा 3 जो एक्सरसाइज है ये इनमें से कौन सी कंट्रीज के बीच में होगी. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रशिया एंड पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव वॉज हेल्ड इन विच सिटी. तो जो उद्भव उत्सव है वो कौन सी सिटी में हुआ है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर. ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन. इनमें से कौन सी इंडिया की पहली इंजनलेस ट्रेन है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ट्रेन 18. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल हेड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू स्ट्रेंथन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स टू डील विद एंड प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. तो जो वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है. तो उसके हेड कौन है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजनाथ सिंह. राजनाथ सिंह को इसके हेड बनाया गया है. राजनाथ सिंह कौन है, हमारे होम मिनिस्टर. और राजनाथ सिंह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू ऑफ द 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 2018. इनमें से कौन सी सिटीज जो है वो 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 2018 का वेन्यू है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली. तो ये समिट होगी न्यू दिल्ली में. और ये जो समिट है इसकी थीम क्या है. इसकी थीम है कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ होस्टिंग द इंटरनेशनल आर्या महासम्मेलन 2018. इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो इंटरनेशनल आर्या महासम्मेलन जो है उसको होस्ट करेगी. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडिया. इंडिया इसको होस्ट करेगी. और इंडिया में कहाँ होगी ये समिट, न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. तो इनमें से किसको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, निमेश शाह. निमेश शाह जो है वो MD और CEO है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ भारत यात्रा नेशनल कैंपिंग हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर विच पर्पस. स्वस्थ भारत यात्रा जो नेशनल कैंपिंग है वो इनमें से कौन से पर्पस के लिए लॉन्च किया गया है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेफ फूड. ये लॉन्च किया गया है सेफ फूड के लिए. और ये कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था वर्ल्ड फूड डे के दिन. रिलेटेड एक और क्वेश्चन कि 2018 का वर्ल्ड फूड डे जो है उसकी थीम क्या थी. तो उसकी थीम थी ऑप्शन नंबर 2, आर एक्शंस आर आर फ्यूचर. ठीक है. तो ये थीम थी वर्ल्ड फूड डे की. वर्ल्ड फूड डे मनाया कब जाता है, ये मनाया जाता है 16th अक्टूबर को. अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कि वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को और इसकी 2018 की थीम थी आर एक्शंस आर आर फ्यूचर. और वर्ल्ड फूड डे जो है ये मनाया जाता है क्योंकि इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फाउंड हुआ था. और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, FAO का हेडक्वार्टर है रोम इटली में. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखना. और इस साल की 2018 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक है 103. तो ये जो रैंक है काफ़ी लो रैंक है इंडिया के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, Where were the 12th Asia Europe Meeting Summit 2018 held? 2018 की Asia Europe Meeting वो कहाँ पर हुई है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ब्रुसेल्स बेल्जियम में. ये मीटिंग हुई है ब्रुसेल्स बेल्जियम में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना. और ये जो समिट हुई है इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 2018 मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन. इनमें से किसको 2018 का मैन बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन मिला है.
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एना बर्न्स। ये मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर में भी बताया है कि एना बर्न्स को मिला है 2018 का मैन बुकर प्राइज, कौन सी बुक के लिए, इनकी बुक के लिए मिल्कमैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज मुरलेन नेशनल पार्क। मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। मिजोरम में है मुरलेन नेशनल पार्क। मिजोरम में दो नेशनल पार्क है, एक तो है मुरलेन और एक है फेंगपुई। फेंगपुई नेशनल पार्क ये भी है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2018 विल बी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो धर्म गार्जियन 2018 जो है वो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जापान। ये होगी इंडिया और जापान के बीच में, और ये एक्सरसाइज होगी कहाँ, इंडिया में, इंडिया में मिजोरम में होगी एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली गवर्नमेंट कॉरपोरेशन इन इंडिया टू लॉन्च अ चैट इनेबल्ड हेल्प डेस्क सर्विस प्रोग्राम नोन एज आस दिशा। तो आस दिशा जो है वो इनमें से किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 IRCTC। तो IRCTC ने ये लॉन्च किया है आस दिशा। दिशा जो है इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंट्रैक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम। ठीक है, तो ये है दिशा का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSNL हैज़ रिसेंटली साइंड पैक्ट विथ विच टेक्नोलॉजिकल जाइंट टू लेवरेज इंडस्ट्री 4 फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नोकिया। नोकिया के साथ BSNL ने ये पैक्ट साइन किया है। नोकिया और BSNL इन दोनों के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। तो BSNL जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है मैरीकॉम, और जो नोकिया कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। ये रीसेंट है, आप ध्यान रखना, आलिया भट्ट ब्रांड एम्बेसडर है नोकिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस शाही लीची ऑफ विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गॉट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जो शाही लीची है जिसको भी GI टैग मिला है वो कौन सी स्टेट की है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिहार। शाही लीची जो है वो बिहार की फेमस लीची है जिसको भी मिला है GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन हैज़ ऑथर्ड द बुक इंडियन स्पोर्ट्स कन्वर्जेशंस एंड रिफ्लेक्शन। इनमें से कौन से क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन स्पोर्ट्स कन्वर्जेशंस एंड रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विजयन बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट टू इम्प्लीमेंट द स्पार्क प्रोग्राम। स्पार्क का मतलब स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलेबोरेशन। तो स्पार्क प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है वो कौन है, तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर है कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट स्पार्क प्रोग्राम के लिए। स्पार्क प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है हमारे HRD मिनिस्टर ने, और HRD मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड एन अफोर्डेबल वाटर डिसइनफेक्शन सिस्टम ONIER-TM। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 CSIR। CSIR ने जो ये वाटर डिसइनफेक्शन सिस्टम जो है इसको लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, ONIER-TM। ONIER-TM जो है ये एलिमिनेट करेगा वाटर से जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है या फिर फंगई या फिर वायरस, तो इन सबको एलिमिनेट करने के लिए ONIER-TM जो है वो हमारी हेल्प करेगा। और इसको लॉन्च किसने किया है, CSIR ने। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सेट टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट। इनमें से कौन सी इंडिया की पहली स्मोक फ्री स्टेट बनेगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केरला। केरला बनेगी इंडिया की पहली स्मोक फ्री स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर 2018 हृदयनाथ अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो इनमें से किसको हृदयनाथ अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद जाहुर कैयम हशमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना, मोहम्मद जाहुर कैयम हशमी जो है इनको मिलेगा 2018 का हृदयनाथ अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड इट्स विच नेबरिंग कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड पैक्ट्स फॉर एनहांसिंग इनलैंड एंड कोस्टल वाटरवेज कनेक्टिविटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। तो इंडिया ने ये पैक्ट साइन किया है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिनटेक। तो इसमें से इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ एक MOU साइन किया है फिनटेक के लिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर। सिंगापुर के साथ इंडिया ने यह पैक्ट साइन किया है। फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच नोटेड ऑथर हैज़ बैग्ड द फर्स्ट एवर JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर? इनमें से कौन से ऑथर को सबसे पहला JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बेन्यामिन। बेन्यामिन को मिला है ये अवार्ड, और ये मैं आपको बुक्स एंड ऑथर में बता चुकी हूँ। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताइए बेन्यामिन को ये कौन सी बुक के लिए अवार्ड दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरा बुक्स एंड ऑथर वाला वीडियो देखा है तो आप इसको पक्का आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ कंट्रीज फॉर ट्रैवल डेस्टिनेशन इन 2019 एज पर लोनली प्लैनेट्स बेस्ट इन ट्रैवल 2019? तो इनमें से कौन सी कंट्री को सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बताया गया है ट्रैवल के लिए 2019 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्रीलंका। श्रीलंका को बताया है बेस्ट डेस्टिनेशन 2019 के लिए। किसने बताया है? लोनली प्लैनेट्स बेस्ट इन ट्रैवल 2019 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 विजिलेंस अवेयरनेस वीक? 2018 का जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है उसकी थीम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इरेडिकेट करप्शन बिल्ड अ न्यू इंडिया। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना। विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ये मनाया गया था 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। ये जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है ये मनाया जाता है जिस वीक में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी आती है उस टाइम। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी भी कब थी? वो थी 31 अक्टूबर को। तो इसलिए ये बनाया गया है 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, और इसकी थीम थी इरेडिकेट करप्शन बिल्ड अ न्यू इंडिया। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।